हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम वन बाय वन सभी बैक्टीरिया कंप्लीट करेंगे। सो अब मैं आपका फर्स्ट बैक्टीरिया स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज स्टेफाइलोकोकस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बैक्टीरिया वन बाय वन। फर्स्टली स्टेफाइलोकोकस इज ऑफ थ्री टाइप्स, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडिडर्मिस एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्टोफाइटिकस, जिसमें से हमारे लिए जो पैथोजेनिक है वो मेनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी बैक्टीरिया स्टडी करे, सबसे पहले उसकी मोर्फोलॉजी को देखते हैं और वो हमारे लिए पैथोजेनिक है या नहीं। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस ह्यूमन बॉडी के लिए पैथोजेनिक है, और इसकी मोर्फोलॉजी की स्टडी करे तो सबसे पहले ये ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है, और ग्रेप लाइक क्लस्टर में, यानी कि इसकी जो डिवीज़न है वो कैसी है, 3D है। नॉन मोटाइल है, ये हमें हैंगिंग ड्रॉप मेथड से पता चला। नॉन स्पोरिंग है, और अप्रोक्स 1 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। एंड आफ्टर दैट देखते हैं इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ को पढ़े तो उसकी चीज़ को कम्प्लीटली पढ़ना चाहिए, मॉर्फोलॉजी और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इकट्ठे। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसकी वजह से ये एंटीजन की तरह रिएक्ट करता है। सबसे पहले इसके ऊपर होता है एक कैप्सूल जो इनहिबिट करता है फेगोसाइटोसिस को। उसके बाद इसके अंदर होता है पेप्टाइडोग्लाइकन जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, थिकोइक एसिड जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी स्ट्रेन का, और प्रोटीन ए जो कि ज़्यादातर स्टेफाइलोकोकस ओरियस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम इसके कल्चर को देखते हैं, मेनली ये ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया में होगा और ये उन्हीं सब कंडीशंस में ग्रो करेगा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं, और ये एरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक होता है। देन किस तरीके का मीडियम चाहिए, न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार पे ये ग्रो करता है, मेकोंकी अगार पे ग्रो करता है, मैनिटोल साल्ट अगार पे ग्रो करता है, ऑल्सो इन लिक्विड मीडियम ग्रो करता है। ये किसी नॉर्मल मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकता, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम ही चाहिए। जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार पे गोल्डन येलो पिगमेंट देता है, मेकोंकी अगार पे पिंक कॉलोनीज और येलो कॉलोनीज, एंड लिक्विड मीडियम में यूनिफॉर्म टर्बिडिटी देता है। ओके, देन बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी शो करता है, यानी कि क्या स्पेसिफिक करेक्टर है इस बैक्टीरिया का कि ये वो रिएक्शंस शो करेगा। ये कैटलेज पॉजिटिव होता है और ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस कैटलेज नेगेटिव होता है। इसका की पॉइंट क्या है कि ये फर्मेंटेशन करता है शुगर्स की विदाउट प्रोड्यूसिंग द गैस। ये मैनिटोल फर्मेंटेशन करता है, कोगुलेज प्रोडक्शन करता है, बीटोटाइप होमोलेसिस करता है, गोल्डन येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। देन टॉक्सिन्स और एंजाइम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो इसको नोट कर ले कि कौन से टॉक्सिन्स और एंजाइम्स कोई भी बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। मेनली ये 5 टॉक्सिन सिक्रीट करता है जो ब्लड का लिसिस करा दे हेमोलाइसिस, ल्यूकोसाइडिन जो ल्यूकोसाइट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, एंटेरोटॉक्सिन जो बॉडी के अंदर जाकर उसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेनली इंटेस्टाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, जो फूड पॉइजनिंग कराएंगे। देन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड एक्सफोलेटिव का मीन्स होता है जो डीपली कोई इन्फेक्शन कोज करवाते हैं उनको बोलते हैं। एंजाइम्स 3 होते हैं, फोस्फेटेज, कोगुलेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। कोगुलेज 2 टाइप का होता है, फ्री फॉर्म में और बाउंडेड फॉर्म में, उसमें ट्यूब और स्लाइड अग्लूटिनेशन हो जाता है। देन पैथोजेनेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें सब बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस जरूर पता होनी चाहिए कि ये कौन कौन से डिजीज़ कोज कराता है। मेनली ये जो बैक्टीरिया है ये स्किन इन्फेक्शन करवाता है जो कि स्प्रेडिंग नेचर में होते हैं, और इसकी जो पस होती है वो क्रीमी होती है। ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन करवाता है, डीप इन्फेक्शन करवाता है, फूड पॉइजनिंग करवाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड स्किन एक्सफोलेटिव डिजीज, साथ ही साथ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी ये शो करता है। ओके, नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस। जिस तरीके की हमारी जो डिजीज़ होंगे उसी अकॉर्डिंग लैब डायग्नोसिस होगी। पस फॉर्मेशन है तो पस का सैंपल ले सकते हैं, स्पूटम का लेंगे, ब्लड का लेंगे, यूरिन का लेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेंगे। फूड पॉइजनिंग के लिए हम लोग 3 सैंपल ले सकते हैं, दैट मे बी फूड, वॉमिट और द फेसेस। तो लैब डायग्नोसिस इस पे बात पे डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन किस तरीके का है, किस कारण से इन्फेक्शन हुआ है और साइट क्या है इन्फेक्शन की। ओके, देन कलेक्शन एंड द ट्रांसपोर्ट। कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो सभी कलेक्शन जो होते हैं वो एक स्टराइल कंडीशन कंटेनर में एसेप्टिक कंडीशन के अंदर होते हैं, और इमिडिएटली इसके सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिर 2 तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे,
पहला है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज़फुल होती है पस और वाउंड स्पेसिमेन में जो कंटामिनेटेड नहीं होता। जैसे कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक का अगर स्पेसिमेन लेते हैं या यूरिनरी ट्रैक का लेते हैं तो चांसेस होते हैं कि उसमें नॉर्मल फ्लोरा भी प्रेजेंट होगा, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर ग्राम स्टेनिंग होती है और उसमें पस सेल्स के बीच में क्लस्टर लाइक जो बैक्टीरिया है वो अपीयर होते हैं, ग्रेप लाइक। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर मतलब इसको हम किसी भी मीडियम पे रख के और कल्चर करेंगे, मेनली ब्लड अगार पे इसको कल्चर किया जाता है, वो सैंपल विच में भी कंटामिनेटेड उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैनिटोल साल्ट अगार एक तरीके का सिलेक्टिव मीडियम है। और कॉलोनी अपीयरेंस कैसी होगी कल्चर मीडियम पे, सर्क्यूलर कॉलोनी होगी, स्मूथ होगी, कन्वेक्स होगी, ओपेक यानी कि थोड़ा थोड़ा वाइट कलर दिखाई देगा और ईजिली इमल्सीफाइएबल होगी। अगर हम किसी का इस बैक्टीरिया से डिजीज़ हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसको सबसे पहले बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे। बेंजाइल पेनिसिलिन इज ऑल्सो नोन एज द पेनिसिलिन जी, ओके। लेकिन अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है तो हम वेंकोमाइसिन देंगे। वेंकोमाइसिन में भी मरसा नहीं होना चाहिए, यानी कि मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। फिर हम लोग देते हैं क्लोराहेक्सिडिन अगर माइल्ड थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो, ओके। थैंक यू। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कस करेंगे। मैंने इसके बाकी पार्ट्स इसीलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं और वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इतना इम्पॉर्टेंट